जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ जी अभी खिदमत में हाजिर हैं। थोड़ी आवाज़ थकी हुई है जी, थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये दूसरी जो मिल्किंग है कच्ची, उसमें क्योंकि शाम का टाइम है, जानवरों के हवाने कुछ बेहतर अंदाज से आपको दिखाए जा सकते हैं। ये झोटी जो है आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पर चल रही है, 19 लीटर दूध तकरीबन ये 24 घंटे में कर रही है। अभी इस वीडियो में दो चीज़ें आज आपको मैं नहीं दिखाने जा रहा हूँ। एक तो आपको दिखाएंगे पहलन झोटी, जिसके 4 दांत है जी, और दूध वो कर रही है माशाल्लाह 13.5 से 14 किलो। जी हाँ, बफलो में पहलन झोटी 13.5 से 14 किलो दूध। और साथ ही आपको वो बकरियाँ भी दिखाएंगे, जो बकरियाँ 3 किलो दूध जो हैं वो दे रही हैं। तो ये एक मैं पूरा विज़िट आपको करवा रहा हूँ जी। एक दफ़ा जानवर देख लें आप कि जानवर माशाल्लाह यहाँ पर किस तरह के आए हैं, कैसे हिवाने हैं, कैसी लोगों ने तैयारी की हुई है, मेला कैसे सजा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा देखें। उसके बाद इंशाल्लाहुल्अज़ीज़ हम आपको अगला जो है बकरियाँ भी दिखाएंगे, और वो झोटी जो आज की वीडियो की सबसे जो स्पेशल चीज़ है मेरे ख्याल में वो ये झोटी ही है, क्योंकि ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि बफलो में भैंसों में पहलन झोटी जिसके 4 दांत हैं वो 26 किलो दूध जो है वो अगर वो दे देती है तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है बनने वाला होगा। बस बहुत ही जल्द वो झोटी आपके सामने जो है वो आने वाली है जी। ये 2 कच्ची चुवाइयाँ जो हैं ये आज अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो जाएंगी, और कल 4 नवंबर दिन सुबह 5 बजे जो अगली पक्की चुवाई है वो शुरू कर दी जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़। आपको दिखाएंगे, ये देखें जी माशाल्लाह बड़े ही माशाल्लाह लोग बड़े शौक़ से जो है ये मेले देखने जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपके सामने ही लोग बड़े शौकीन हजरात हैं जी यहाँ पे, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी आपको वो भैंस भी दिखाता हूँ जी जो इस वक्त टॉप पे जा रही है, जिसने सुबह 14.5 किलो दूध दिया था जी। ये देखें माशाल्लाह बूढ़ी भैंस खूबसूरत है, अभी बस झोटी आने वाली है जी। मैं उसके नज़दीक नज़दीक जो है वो पहुंच चुका हूं। आप जो है ये सामने देख सकते हैं, ये आ गई है जनाब अपनी पहली झोटी, यही है जनाब। इसका माशाल्लाह का कार्ड देखें, इसका हिवाना देखें, इसकी खूबसूरती चेक करें, इसके बाकी मामला चेक करें। मैं अभी आपको दोबारा इस झोटी की तरफ दोबारा लेके जाऊँगा, पहले ये भैंस मैं कम्प्लीट कर लूँ। ये भैंस अभी कम्प्लीट हो जाएगी, फिर दोबारा आपको झोटी को मुकम्मल तसल्ली के साथ जो है आपको दिखाएँगे इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़। देखिएगा आपके सामने, ये ले जनाब हमने कैमरे को जो है दोबारा मोड़ लेना है जी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, ये भी देखें जी, तो ये आगे जनाब झोटी आप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं तारीफ़ों के कसीदे पढ़ रहा हूँ। इसका कद कार देखें, इसकी सींग देखें, इसकी दुम देखें, हैवाने की बनावट देखें, और माशाल्लाह देखें जी कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत ही जो है वो खूबसूरत और मतवाजन जानवर जो है ये बनाया जी। अभी इसके जी हैवाने को भी दिखाते जी आपको, और देखें जी माशाल्लाह पहले झोटी के लिए जो हैवाने का साइज़ है वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की ज़ात इसको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, इसको नजरें पड़ से बचाए। कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि ये पीस मेहरबानी करें और मैं जल्दी से बात कह रहा हूं, ये जो है बड़ा मेरी उनसे धमाका करेगा। ये आगे का अगला जानवर मेहरबानी करें, सकते हैं वो पीछे हिलाना दोस्तों जो है वो गया हुआ है, अभी हम आपको एंड पे लेके जाएंगे उस जानवर की तरफ। जानवरों के किस्म पे लीड कर रहे हैं जी, सबसे ज्यादा दूध जिसका चल रहा है जी वो भी आपको दिखाते हैं। बात फिर मैं दोबारा करूँ, ये सारी की सारी जो है ये कच्ची चुवाइयाँ हैं, अभी चुवाई जो है ये बाद में अल्लाह के हुक्म से सुबह को पहली पक्की चुवाई जो है अभी होनी है। प्रोसीजर का सारा आपको पता ही है, जानवर सारे आपको डिटेल के साथ तसल्ली के साथ जो है ये दिखा देने, ताकि आप लोग जो घर में बैठे हैं और उनको भी मेला जो है वो मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर सकें। मैं आपको ये बताता चलूँ, हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त हैं वाला से, पंजाब के मुख्य शहरों से, इवन के सिंध से भी लोग आए हैं। ये वो भैंस है जी जो इस पर टॉप कर रही है, जो इस पर सबसे ऊपर जा रही है भैंस की कैटेगरी में। इसने सुबह तकरीबन 15.5 या 14.5 लीटर दूध जो है वो दिया था जी, और ये हमारी शहजादी है जी।
अब ये बकरियों की तरफ मैं आपको ले आया हूँ जी। ये बकरियाँ कंपटीशन में ज़्यादा तो नहीं है, कुछ 7-8 हैं, लेकिन ज़्यादातर बकरियाँ जो हैं वो 2.5 लीटर से ऊपर दूध पैदा कर रही हैं। तो 2 बकरियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने 3 लीटर जो है वो दूध दिया जी। ये देखिए मक्खी चीनी, इनका दूध जो है ये 3-3 लीटर जो है माशाल्लाह अल्लाह के फजल से है जी। ये आपके सामने देखिए जी, ये 3 लीटर सुबह, 3 लीटर शाम, 6 लीटर दूध का मतलब ये हुआ कि 3 फैमिलीज का जो है ये दूध अल्लाह के हुक्म से ये जो है बकरियां चला रही हैं। अब आपके सामने है जी, एक एरियल व्यू देख लें आप, ठीक है जी। फिर आपको चुवाई के मनाज़र दिखाते हैं, इंजॉय करें, टाइम हो तो कल आ भी जाएं, मैं इंशाल्लाह इधर ही मौजूद हूँ। ਮੱਝਾਂ ਔਰ ਗਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਲੇ ਰਹਿੰਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਬਗੈਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਰਿੰਗੋ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕੱਟਿਆ ਤਸਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ बड़े दिल अजीज डॉक्टर असदुल्ला साहब को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ी एफर्ट की है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट किया, तमाम साथी गर्वे हवाई लहरान ए शोर करन के तमाम दीदी साहबान मेरी ठीक है इस गर्वे नीचे रख लो कहाँ चक मैदी नुगे जी टू मोहम्मद अलियास साहब लाल बिल फैसलाबाद तो बकरी जी टू सुबह तो दिता सी 1 किलो 580 ग्राम पहली कच्ची चवाई थे ते होन कीता है 2 किलो 275 ग्राम वर्किंग हो रही है। 20 रुपया हो रहा है फिट रहने में शायद ओके ओके जी सिक्स
ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ।